गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज सुजीत नायक एंड आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट म्यूजियम टुडे एंड वी आर डूइंग द जीके क्लास. ओके, सो व्हाट इज म्यूजियम? हैव यू एवर बीन टू म्यूजियम? क्या कभी आपने म्यूजियम होके आए हो? ओके, अगर आपने विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा, अ म्यूजियम इज अ प्लेस वेयर कलेक्शन ऑफ स्पेशल थिंग्स इज केप्ट. तो म्यूजियम वो चीज होती है, वो जगह होता है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, स्पेशल चीज़ें रखते हैं. ठीक है, स्पेशल चीज़ें कि एक ज़माने में वो चीज़ें कैसे दिखती थी, म्यूजियम से हमें पता चलता है. वेल, हियर आर सम वेल नोन म्यूजियम्स इन इंडिया. हम कुछ वेल नोन म्यूजियम्स जो कि लोगों को पता है, जो कि कॉमन है, आम है, उन म्यूजियम्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, पहला वाला कौन सा है? पहला वाला हम पढ़ेंगे शंकर्स इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम. ठीक है, सो इस म्यूजियम में क्या है? ओके, द डॉल्स इन दिस म्यूजियम हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया की कोने कोने से डॉल्स को क्या किया गया है, वो कलेक्ट किया गया है. और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो डॉल्स जो है, जो रखा गया है, वो क्या करते हैं, दे रिफ्लेक्ट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द रीजन फ्रॉम वेयर दे कम. डॉल्स जहाँ से आए हैं वहाँ की जो कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस है वो दिखाते हैं. ठीक है, जैसे कि इंडिया की कल्चर क्या है, जैसे कि इंडिया की गुड़ियों को हम क्या पहनाते हैं, हम लोग साड़ियाँ पहनाते हैं. तो इस तरह से क्या होता है, वर्ल्ड के जितने भी जगहों से डॉल्स आए हैं वो क्या करते हैं कि अपने अपने जगहों को वो रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि अमेरिका से हैं तो क्या पहन के आए होंगे, कोट पैंट, एंड उनकी जो भी चीज़ें हैं, लोकल चीज़ें जैसे कि रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनके साथ उनको क्या किया गया है, डिस्प्ले किया गया है. ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये न्यू दिल्ली में है. और म्यूजियम का नाम क्या है, शंकर्स इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम. यू कैन सी देर आर सो मेनी काइंड ऑफ डॉल्स आर देयर. ईच एंड एवरी डॉल्स, यू कैन सी दे आर वेयरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस. And these come from different part of the world. दुनिया की अलग अलग जगहों से ये dolls आए हैं. ठीक है, तो शंकर्स इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम में इस तरह का बहुत सारे dolls हैं. ठीक है, ओके, नाउ वी आर लर्निंग अबाउट सलारजंग म्यूजियम. सलारजंग म्यूजियम क्या होता है? दिस म्यूजियम वॉज बिल्ट बाय नवाब सलारजंग थर्ड. जहांगीर्स डगर एंड नूरजहान्स नाइफ्स अल्स आर केप्ट इन दिस म्यूजियम. द लोकेशन यानी कि जगह कहाँ पे है, हैदराबाद पे ये सिचुएटेड है, हैदराबाद पे है. और म्यूजियम का नाम है सलारजंग म्यूजियम. इस म्यूजियम में नवाब सलारजंग थर्ड ने इस म्यूजियम को बनाया था. इसमें जहांगीर की खंजर यानी कि जो वेपन है, और नूरजहां की जो फ्रूट नाइफ यानी कि जिससे वो क्या करते थे, फल काटते थे, वो भी इसमें रखा गया है. और ये कहाँ पे है, हैदराबाद पे है. You can see this is the fruit knife of Noorjahan. और ये dagger है. क्या है, dagger यानी कि खंजर है. किसका है ये खंजर, जहांगीर का है. और ये सब कहाँ रखा गया है, सलारजंग म्यूजियम में रखा गया है. और ये है वो सलारजंग जिनको लोग सलारजंग थर्ड के नाम से पुकारते हैं, जिनका असली नाम था नवाब मीर यूसुफ अली खान, और ये एक राजा थे. ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड. दिस इज इंडियन म्यूजियम.
ये जो बिल्डिंग अभी आप देख रहे हो, ये इंडियन म्यूजियम है। क्या है ये? इंडियन म्यूजियम, एंड इट इज सिचुएटेड इन कोलकाता। इट इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया। इट हैज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, टेक्सटाइल्स, कॉइन्स एंड डेकोरेटिव आर्ट्स। इसमें क्या क्या है? इसमें बहुत सारे कलेक्शंस हैं, जैसे कि पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, टेक्सटाइल्स है, कॉइन्स है एंड डेकोरेटिव आर्ट्स है, यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। वेल नेक्स्ट इज व्हाट? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। ये आप जो देख रहे हो ना, ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है। यहाँ पे क्या है? दिस म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ओवर 2000 मिनिएचर पेंटिंग्स। इन 1998 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज्ड इट्स नेम टू छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। ठीक है, इस म्यूजियम का नाम है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, बट इन 1998 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट ने इसका नाम बदलकर क्या किया था? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय रखा है। ठीक है, इस म्यूजियम का नाम क्या है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। और ये कहाँ पे है बेटा? मुंबई पे है। वेल फाइव हम लोग देखते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। देर इज अ कलेक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स रनिंग फ्रॉम प्री हिस्टोरिक ईरा टू मॉडर्न वर्क्स ऑफ आर्ट इन दिस म्यूजियम। बहुत सारे वैरायटी ऑफ आर्टिकल जो कि प्री हिस्टोरिक दिनों से आज तक जो आर्ट्स बनाई गई थी वो क्या गया है? इस म्यूजियम में रखा गया है। एक्चुअली प्री हिस्टोरिक आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। प्री हिस्टोरिक जो होता है ना, वो हम जहाँ पे हिस्ट्री हम लोगों ने जानना शुरू किया ना, उससे पहले की बात है। ठीक है, उससे पहले से आज तक जितने भी मॉडर्न वर्क ऑफ आर्ट्स यानी कि आर्ट की जो मॉडर्न वर्क जो है ना, वो इसमें क्या किया गया है? रखा गया है। और ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। और इस म्यूजियम का नाम है नेशनल म्यूजियम। यू कैन सी दिस इज द नेशनल म्यूजियम। नाउ वी विल लर्न अबाउट नेशनल रेल म्यूजियम। नेशनल रेल म्यूजियम क्या होता है? दिस म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ रेल इंजिन्स। यहाँ पे बहुत सारे रेल इंजिन्स की कलेक्शन रखा गया है। ठीक है, रेल इंजन मतलब आप जानते हो ना, ट्रेन की जो हेड होता है यानी कि इंजन होता है, उसको रेल इंजन बोलते हैं। ठीक है, अ स्टीम इंजन इन वर्किंग कंडीशन गिव्स फ्री राइड्स फॉर चिल्ड्रन। एक यहाँ पे एक स्टीम इंजन है जो कि वर्किंग कंडीशन में है। वर्किंग कंडीशन इन द सेंस क्या है कि वो चालू कंडीशन में है और सभी बच्चों को वो क्या करता है? फ्री राइड देता है। ठीक है, ये लोकेटेड कहाँ पे लोकेटेड है? दिस वन हैज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड द नेम ऑफ द म्यूजियम इज नेशनल रेल म्यूजियम। यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ नेशनल रेल म्यूजियम। दिस मच फॉर टुडे एंड टुमारो आई विल कम विथ अनदर टॉपिक, समथिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट विल बी ऑफ कोर्स। And till, have a nice day. I will share this in the WhatsApp group and you just try to write in your copies. Okay? Till then, have a nice day. Bye-bye.